नमस्कार दोस्तों, आज मैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताने जा रहा हूं कि टर्म इंश्योरेंस किस कंपनी से लेना चाहिए आपको। जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट अच्छा होता है, सेकंड साल्वेंसी रेशियो उसकी अच्छी है, तो उस कंपनी से आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब सेटलमेंट रेशियो क्या है बताने जा रहा हूं आपको। अगर उस कंपनी का क्लेम देने का रेशियो अच्छा है, जिसके 80% 95% या 99% है, उससे आप बीमा कराइएगा, अन्यथा आपके क्लेम में भी दिक्कत आ सकता है। कितना वो बीमा किया और कितना मृत्यु दवा दिया, इसको बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। सेकंड आता है बहुत बड़ी चीज, साल्वेंसी रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, IRDA ने एक साल्वेंसी रेशियो फिक्स किया है हर कंपनी का, 150%। 150% से जिसका ज़्यादा साल्वेंसी रेशियो है, उसकी क्लेम देने का जो प्रक्रिया है या रेशियो है, वो अच्छा होता है। मतलब इसका क्या होता है कि जिसकी देनदारी से ज़्यादा संपत्ति है, उसको बोलते हैं साल्वेंसी रेशियो की प्रतिशत ज़्यादा। जैसे किसी को 1 लाख का क्लेम देना है या सेटलमेंट करना है, और उसके पास 1.5 लाख की संपत्ति है, तो उसको बोलते हैं साल्वेंसी रेशियो। मतलब 1 लाख का बीमा करते हैं आप, तो आपके पास 1.5 लाख की संपत्ति रखना जरूरी होता है, तो उसको बोलते हैं साल्वेंसी रेशियो। अर्थात जिसके पास जितना संपत्ति होगी, वो क्लेम आपको उतना ही ईजी देगा। तो इन दो बातों का जरूर ध्यान दीजिएगा, सेटलमेंट रेशियो और साल्वेंसी रेशियो। सेटलमेंट रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उससे पॉलिसी कराइएगा, साल्वेंसी रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उसी से पॉलिसी कराइएगा। किसी की बहकावे में या पेपर में पढ़ के या टीवी में देख के आप पॉलिसी नहीं कराइएगा, कि टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो आपके लिए नहीं होता है, आपके नहीं रहने के बाद आपके परिवार के लिए होता है, और वही परिवार को क्लेम नहीं मिलेगा, कोर्ट के आगे पीछे घूमने पड़ेंगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपके परिवार के ऊपर, आप उसमें रहेंगे नहीं, सोच नहीं पाएंगे, और वो कष्ट आप बच्चों को देके जाएंगे। तो जिसके वजह से आप पॉलिसी कराई है आपने टर्म इंश्योरेंस, कि मेरा परिवार मेरे जाने के बाद आर्थिक स्थिति से नहीं उलझे, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस होता है, कि मैं तो नहीं रहा लेकिन बट मेरे कमाया हुआ पैसा, जितना कमाता था मैं पैसा, उतना पैसा घर वालों को मिल जावे कि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ढंग से चले, और मेरे बाल बच्चे, मेरे बीवी, मेरे घर वाले सुखी रहें। वो आपका यथार्थ रूप से जब भी संभव होगा, जब भी सत्य होगा, जब आप अच्छे कंपनी से पॉलिसी लेंगे और सही पॉलिसी लेंगे, जिसका फायदा उनको इजी मिल जाए। थैंक यू।